अच्छा बढ़िया, मुझे तो बुलाना जाएगा। अच्छा कुछ कहाँ पर, यहाँ पर देखिए हम लोग हमेशा से मस्ती और धमाल करते आते हैं और ये बड़ी दिलचस्प इंसान है तो मुझे बहुत मज़ा आता है और मुझे उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है जो दिल के साफ होते हैं और खुले इंसान होते हैं, तो हर वक्त हम जब भी मिलते हैं तो इंजॉय करते हैं। मैं अर्शी को बहुत पसंद करती हूँ और बहुत ही फेवरेट कंटेस्टेंट रही है बिग बॉस में मेरी अर्शी जो है वैसा बिग बॉस में दिखाया, तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ अर्शी के साथ और बहुत इन्जॉय करती हूँ। हम दोनों बहुत मस्ती करते हैं और जहाँ पे भी जाते हैं हम लोग रॉक करते हैं। सी एज ए सीनियर बहुत ज़्यादा टिप्स मिली हैं, वाकई में मिली हैं, क्योंकि वो बहुत साल से इंडस्ट्री में हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत लोग नहीं बताते हैं कि शायद कंपटीशन की वजह से नहीं बताते लेकिन ये बताते हैं। एक्चुअली आज कुछ हुआ है जो अर्शी, हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम हॉट अवतार लेंगे आज, लेकिन शी इज नो डाउट शी इज हॉट, लेकिन हमारा फंकी स्टाइल था आज पार्टी बिकॉज इट्स अ बर्ज पार्टी यू नो, लेकिन जब मैंने अर्शी को देखा शी इज लुकिंग टोटली डिफरेंट। नो डाउट उनका रमज़ान भी है और एक्चुअली मैंने थोड़ा इसी वजह से थोड़ा ऐसा वियर नहीं किया, मैंने कहा बेवजह ट्रोल कर देते हैं, अभी एक को ट्रोल करके बैठे हुए फिर मुझे उठा के ट्रोल कर देंगे, इसलिए अर्शी खान थोड़ा सा बच के दुपट्टा ओढ़ लो तो वही, तो इसलिए बस के कारण मैंने अपना ये बस अवतार किया है एकदम हॉट एंड आपको कोई कुछ नहीं कहेगा लेकिन हमें तो खान के नाम से उड़ा देंगे सब। बेबी बॉलीवुड में ग्लैमरस का तड़का तो लगता ही है। मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे ट्रोलिंग में मज़ा नहीं आता, जब लोगों को ट्रोल करते हो और जब मैं रात के वक्त बैठकर उनके कुछ मैसेजेस रीड करती हूँ जब वक्त मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि इस दुनिया के अंदर कितने वाहियात लोग होते हैं जो इतने कुछ लिख देते हैं। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो हमसे मोहब्बत करते हैं या फिर लोगों से मोहब्बत करते हैं तभी तो लिखते हैं, मोहब्बत भी करते हैं क्रिटिसाइज भी करते हैं और हम बॉलीवुड में हैं तो हर चीज़ फेस करना पड़ता है। मैं तो कितने सालों से कर रही हूँ, देखिए कहीं फोड़े आ गए क्या मुझे, कुछ मुझे नहीं हुआ कहाँ देखिए हमारी फ्रेंड अर्शी को ट्रॉल ना कीजिए प्लीज। मैं ट्रॉल नहीं होती कुछ लोग होते हैं नहीं बहुत सारे लोग होते हैं अगर जैसे कि कुछ लोग बर्थडे वाले दिन भी ट्रॉल होते हैं समझ गए सब समझ गए हैं मेरी वजह से ट्रॉल होते हैं। डेफिनेटली मैं इनके साथ एक आइटम सॉन्ग करने वाली हूं। हम लोग बहुत ही सरप्राइज है, हम फिल्म साथ में कर रहे हैं, दो तीन आइटम सॉन्ग साथ में कर रहे हैं और अभी हमारा सामने जी पे हमारा नया शो भी आने वाला है तो आप देखिए हमारी जोड़ी एकदम हिट हो रहेगी। ये शीला और मुन्नी की जोड़ी है मुन्नी और शीला, मैं शीला हूँ, ये मुन्नी है, ये मुन्नी बदनाम है, शीला जवान है। ऑलरेडी डिसाइडेड है, बता तो दिया बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा जी। थैंक यू मैम। ये क्या, ये बहुत चला है, ये बहुत चला है। अरे क्या अरे अभी तो किया अब अर्शी मैम आप तो साथ में आइए ना प्लीज। क्या ये लोग जान का बोलेंगे आपको दोनों टॉप है एक्ट्रेस। ओके अर्शी जी काफी हम आपको नए अवतार में देख रहे हैं।